सो व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आज हियर मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक और नया व्लॉग। गाइस व्लॉग बोलते हो बड़ा अच्छा लग रहा है, बिकॉज जनरली आप लोगों के लिए हम लेके आते हैं रिएक्शन वीडियोस अपने रिएक्शन बाय आरजी पे, ये तो आप लोगों को पता ही है। और एक चीज़ और बता दूँ कि कल यार आसाम से फिर से वही बर्बर के पैर मिला पहले व्लॉग को, एंड इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखो यार। और आज आप लोगों को कुछ स्पेशल दिखाएंगे, साथ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल है जो आपने थंबनेल वगैरह में देख ली होगी। प्लस आप आज आपके साथ मैं कमेंट्स भी डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं रिएक्शन चैनल पे, और अपने इस चैनल पे भी कमेंट्स आने शुरू हो गए, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो आज हम सारा वो डिस्कस करेंगे। प्लस आज हम जाने वाले हैं बाहर, थोड़ा सा मेरा फ़ोन वगैरह का काम है, सिम वगैरह का, तो वो भी करके आएंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बनाऊँगा, छोटा छोटा बनाएंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए मैं अपना ये काम निपटा लूँ, मैं सुबह सुबह जाके बैठ गया हूँ, एंड फटाफट के लिए आज के रिएक्शंस निपटा लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं। सो गाइज, आज ऐसा हुआ है, आज काफ़ी सारी वीडियोस डाल दी हमने अपने चैनल पे, मतलब आज एक जुबिन दादा का गाना भी डाला जोजोपुरा, एंड अगर मैं बात करूँ हनी सिंह का गाना मेरा जी करदा डल गया, तो कुछ कॉमेंट्स अपन अभी रीड करते हैं। पहले 20 व्लॉग्स बाय आरजी के रीड करते हैं, जिस चैनल पे तुम ये वीडियो देख रहे हो उस चैनल पे आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रखे हैं। भाई रौनक सिंह लिखते हैं, भाई आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, लव यू बिग ब्रदर। थैंक यू सो मच रौनक भाई, आपने ये करा मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे हम ना टेक्निकल एडिट्स वगैरह सुधार लेंगे। वेलकम टू आसाम भाई, मैं पक्का आना चाहूँगा, निप्पा गोगोई नाम है इनका। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉमेंट किया वीडियो के नीचे। फिर उसके बाद आया होपुन बोरा का कमेंट, लेट्स मीट ब्रो, भाई आई वुड लव टू मीट ईच वन ऑफ यू, पक्की बात है। फिर मुझे आशीष साहू का कमेंट आ रखा है कल वाले ब्लॉग पे, भाई को बस व्यूज चाहिए जो मिल रहे हैं स्मार्ट गाय। चलो यार एक बात बताओ, एक बंदा अगर 24 घंटे YouTube कर रहा है तो वो बिना व्यूज़ के कैसे सरवाइव करेगा? व्यूज़ मिल रहे हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता क्या है, जो लोगों का प्यार मिल रहा है, या आपका भी प्यार ही है भाई, कि आपने पूरा ब्लॉग देखा उसके बाद आपने उसके नीचे कॉमेंट किया। आशीष साहू भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉमेंट किया, चाहे यही करते रहो भाई, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरी तरफ से आपको उतना ही प्यार मिलने वाला है, कोई हेट नहीं है मेरी तरफ से। तो एक आया आसाम ब्लॉग 2.0 का कमेंट आया जाजा बोरी गाने के ऊपर, जो अभी अभी दादा का मैंने अपलोड करा, तो इट्स लाइक बिग फैन ब्रदर फ्रॉम आसाम गुवाहाटी जुबिन दादा सिटी, हार्ट भी दे दिया आपको, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो। एक लड़के ने लिखा हिप हॉप फॉलोअर ने, आसाम से हूँ, आप कब आ रहे हो आसाम? यार देखो आसाम आने का सीन ये है, ये व्लॉगिंग चैनल शुरू करने का पर्पज़ ही मेरा ये था कि हम कुछ फंड्स जुटा सकें आसाम से रिलेटेड। चैनल सपोर्ट का जो UPI पिन है वो डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो के मिल जाएगा, अगर आप सपोर्ट कर सकें तो करिए। इस चैनल पे मुझे कोई भी अगर UPI सपोर्ट मिलती है, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, ये मैंने स्कैन कोड भी यहाँ पर डाल दिया, अगर आप लिटरली मेरे को यहाँ पर कोई सपोर्ट मिलती है क्या कहते हैं आपकी तरफ से, तो इस पर्टिकुलर अकाउंट में जो भी फंड हम जोड़ रहे हैं वो आसाम आने के लिए ही जोड़ रहे हैं। जब पैसे इकट्ठे इतने हो जाएंगे कि हम एक महीने तक आसाम में रुक सकें, वहाँ पे आप लोगों के साथ घूम सकें, मिल सकें, पूरा आसाम प्रॉपरली दिखा सकें लोगों को, या नॉर्थ ईस्ट दिखा सकें, मेरा मेघालय घूमने का भी बहुत मन है, तो आप लोगों को वो सारा दिखाना चाहता हूँ। एंड जब वो बजट हमारा बन जाएगा तो आई एम श्योर मैं वहाँ पर आऊँगा। इस अकाउंट में से मैं एक रुपया भी किसी और चीज़ के लिए नहीं खर्च रहा, हाँ हो सकता है कोई एक आध चैनल अपग्रेड के लिए या टेक्निकल अपग्रेड के लिए हम बीच में से थोड़ा बहुत अमाउंट खर्चे, लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा नहीं होगा, बट मेजरली वी आर सेविंग मनी टू विजिट आसाम। किसी ने लिखा हुआ वी लव प्रभास एंड शरद केलकर द वॉइस, यार प्रभास की आवाज़ तेलुगू में बहुत इम्पैक्टफुल है, और शरद केलकर की आवाज़ प्रभास पे बाहुबली में बहुत सूट करी, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि आदि पुरुष में वो आवाज़ थोड़ी ओवर पावरिंग लग रही है, जिस तरीके का वो चाहिए शरद केलकर की आवाज़, लेकिन प्रभास की आवाज़ अगर आप तेलुगू में देखोगे, तेलुगू वर्जन ऑफ आदि पुरुष में बहुत अच्छी लग रही है। और ये कमेंट हमें किया था भुखिया रसी ने, भुखिया रसी आई थिंक मैंने सही नाम लिया है, तो वायु करके एक लड़का है जिसने, लड़का है पता नहीं लड़की है, जिसने कमेंट करा है MEWAY इज़ द इंडियन किंग ऑफ हिप हॉप एंड हनी सिंह द किंग ऑफ रैप। भाई बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, और ये कमेंट करा है उन्होंने MC Stan वर्सेस बादशाह वाली वीडियो में,
तो आप लोग जाके वहाँ पे उनके कमेंट को लाइक भी कर सकते हो, मैंने तो लाइक और हार्ट दे दिया। ठीक है भाई, एमीवे को जब भी कोई उंगली करता है तभी इनका डिस आता है। सही है बॉस बंटा है, ये तो है, पर उंगली मत कर भाई, नहीं तो ये बंदा तुम्हें चीर फाड़ देगा और क्या होगा। यही हो रहा फिलहाल के लिए। तो गाइज रिएक्शन चैनल के ऊपर अपने 121,000 सब्सक्राइबर हो गए, फोकस चला जाता है इसका। ये देखो ऐसे करके आ रहा है, 120,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जल्दी 121,000 हो जाएंगे। हेलो हनी भाजी बोल रहे हैं। अरे यार अभी अभी ना रिसेंटली एक जबरदस्त कमेंट आया आज अपने चैनल पे, अपने भाई ने बोला है और कमेंट बड़ा जबरदस्त है कि भाई आप बोलो हनी भाई को, तो तुम्हें क्या लग रहा है मेरे को एक बात बताना, कि यो यो हनी सिंह को मैं फोन करके ये बोलूंगा कि हनी भाई गाना जल्दी लेके आओ वो मान लेंगे? अबे यार इतना होता तो फिर बात ही क्या थी, फिर मैं हनी भाई के साथ वीडियो ना बना लेता, बट इतना नहीं है भैया। हाँ नो डाउट मैं चाहता हूँ कि मैं ज़रूर सुनता रहूँ हनी सिंह के गाने रेगुलरली, बिकॉज एवरी 15 डे देयर शुड बी अ सॉन्ग एज ही इज़ मेकिंग अ कमबैक। अपनी जो हाइप मिल रही है इसको बना के रखना चाहिए, इसे 15-15 दिन में गाने ड्रॉप कर देने चाहिए। ईपी को इतना लेट मत करो, अगर ईपी बाई चांस आप एक एक महीने पर भी देना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, टेक योर टाइम, बट बीच में 15-15 दिन में चाहे लाइव आ जाओ, लोगों से इंटरेक्ट करो, चाहे आप कोई सॉन्ग ड्रॉप कर दो, लेकिन कुछ करो ज़रूर। अभी फ़िलहाल के लिए निकलेंगे, तो जाने से पहले नहाना भी है, नहाना इसलिए दोबारा क्योंकि ये जो एक्चुअली बाहर ना गर्मी पड़ रही है पूरी तरीके से। ये मम्मी की बना रहे हो बेटा? मैं चूरी बना रही हूँ। कौन खाना कब खाओगे? मैं अभी बस खाऊंगा, फिर खा के नहा के निकलता हूँ मैं। चूरी बना रही है तो? अच्छा अच्छा चूरी बना रहे हो, तो बनाओ बनाओ। चलो ठीक है, देखा मेरे मजे लिए जा रहे थे और कुछ नहीं था। तो गाइस चूरमा यानी कि चूरी रेडी हो चुकी है, मेरे को लाइट वगैरह सब ऑन कर ली। राहुल की चूरी फेवरेट है, मैंने इसी के लिए बनाई थी। मैं वही सोचूं मेरे को दे नहीं रहे, बना रहे हैं तो अभी ये खाएंगे, खाने के बाद सीधा निकलते हैं। ठीक है मैं रेडी होके। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है, एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा ये जो कैमरा है इसका मेमोरी कार्ड का इशू आ रहा है, नहीं तो मैं व्लॉग उसी से करता हूँ। मैं अब निकल रहा हूँ फिलहाल के लिए, थोड़ा लैपटॉप का काम है और अपने को सिम भी चेंज कराना है। एक्चुअली जहाँ अपने को जाना है वो बहुत दूर है जगह, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ फिलहाल के लिए कि एक ना कमेंट आ रखा था अभी बड़ा ज़बरदस्त, आप लोगों के में से किसी एक ने करा होगा कि भाई को व्यूज़ चाहिए इसलिए ये इधर उधर कर रहा है। तो मैं यार देखो सीधी सी बात है, व्लॉगिंग चैनल मेरा आज का नहीं है, आरजी हेयर चैनल मेरा आज का नहीं है, बहुत पहले का है। ठीक है, और लिटरली अगर आप 24 आवर्स किसी भी चीज़ में लगा रहे हो तो आपको उससे रिटर्न तो चाहिए, ये एक जेन्युइन फैक्ट है। तो अगर किसी को इससे प्रॉब्लम है तो भैया आपके पास एक ऑप्शन होती है नॉट इंटरेस्टेड, या कुछ ऐसी ऑप्शन होती है जिससे आपको मेरा ब्लॉग नहीं दिखेगा या मेरी वीडियो नहीं दिखेगी, वो आप कर सकते हो। बाकी कमेंट करना तो भाई जितना मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं। और ना मैं कभी भी ड्राइव करते हुए तेज़ नहीं चलाता गाड़ी, और साथ में अगर फ़ोन हो फिर तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो सब आगे ही निकल रहे हैं, पीछे कोई नहीं रह रहा। ठीक है, एंड गाइस सीधी सीधी सी बात बता दूं, हम आ गए घर से थोड़ा सा दूर और अभी अपने को ना क्या कहते हैं फिलहाल के लिए जिस जगह पे जाना है उसका नाम है एयरटेल स्टोर। अभी अगर तुम्हें मेरी एडिटिंग में थोड़े फ्लॉज लगे ना तो उसके लिए पहले से ही माफी है यार, एडिटिंग धीरे धीरे सही हो जाएगी, सुधर जाएगी और कोशिश करूँगा सुधारने की कि और बेटर हो जाए। तो लोग ऐसे देखते थे अगर हाथ में कैमरा हो या फ़ोन हो तो उसका कुछ कर नहीं सकते। ठीक है मैंने कर दिया है फिलहाल के लिए, अगर बाई चांस मैंने जो पहले रिकॉर्ड करी है फुटेज, ये देखो तुम्हें मैं दिखा भी देता हूँ अगर पॉसिबल है तो, अभी तो है 40 सेकेंड पड़े हैं, सिग्नल पे हूँ। ये देखो मेमोरी कार्ड एरर आ रहा ऊपर, मैंने रिकॉर्ड करा था इस पर तो थोड़ी सी दिक्कत दे गया, बाकी चेक करेंगे जाके क्या दिक्कत है। और बट अब ब्लॉग्स रेगुलर आएंगे, तो अभी फ़िलहाल मैं सीधा लैपटॉप
पकड़ा दूँ पहले बंदे को, फिर उसके बाद पहुँच गया हूँ मैं ऑलमोस्ट। देखो ना तुम लोग एक चीज़ और बताओ कि एक दिन मैं अगर अपना जिम का वर्कआउट डाल दूँ और एक दिन अगर मैं अपना नॉर्मल ब्लॉग डाल दूँ वो चलेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब पूरा दिन का जो ब्लॉग है वो एक दिन डल जाएगा, अगले दिन एक दिन पहले जो ब्लॉग होगा वो जिम वाला होगा, मतलब यहाँ से घर से जिम जाने का आने का प्रोसेस सारा, वहाँ पे एक्सरसाइज कौन सी लगा रहे हैं, क्योंकि अभी वेट लॉस भी चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रही है, थोड़े बड़े हो रखे हैं हम साइज़ में तो कम हो जाए, ठीक है? तो मेरे को तुम लोग कमेंट्स में बताओगे। और अभी इतना, हम क्या कर रहे हैं अभी, मैं फ़िलहाल अपने एक फ्रेंड को पिक कर रहा हूँ एंड लैपटॉप मैंने पकड़ा दिया था भैया को, भैया बोल रहे हैं एक आधे घंटे का काम है उसके। हम पहुंच गए अभी को लेने के लिए, अभी आ रहा पीछे, वो देखो दिख रहा होगा एक, हाँ ये कुछ लाता हुआ आ रहा तो मतलब क्या सीन है कि हम लोग यहाँ से जाएंगे अभी एयरटेल ऑफिस। हाँ लो, हाँ 5,000 सब्सक्राइबर हो गए लॉन्डे, तेरे भी होने वाले हैं। अच्छा अरे इसके 5,000 पहले करवा दिए तुम लोगों ने, मेरे कराओ यार, कराओ कराओ, अपने 1,000 नहीं पूरे हो रहे, ब्लॉगिंग पे वापस आया है लॉन्डा। अरे सीरियसली अब पक्की रेगुलर वाली करनी है, अब छोड़नी नहीं है। सही है, तो इसके हो गए मैनेजर साहब ब्लॉग्स करके चैनल है, सालो इसको जाके और सब्सक्राइब कर देना है ना, मेरे ना करना तुम लोग सब्सक्राइब, करना करना इसके क्यों नहीं करना, इसके भी करने हैं। नहीं मेरे भी कर दो यार, मेरे वैसे कर रहे हो तुम लोग, मैंने देख लिया बहुत सपोर्ट आ रहा है इस टाइम, बहुत सपोर्ट आ रहा है। यस एंड लिटरली अपा हरे काली डिस्कस कर रहे थे ना शाम बारे, हाँ के हम लोग प्लान कर रहे हैं एंड इवन ही विल आल्सो बी कमिंग, तो हम प्लान कर रहे हैं कुछ ना कुछ, हमारा कुछ जुगाड़ लग जाए, कोई सेटअप लग जाए, फिलहाल के लिए वी आर लैकिंग फंड्स एंड बताएंगे जल्दी, बताएंगे भी और आएंगे भी। और ऑनेस्टली जो मैंने आपको बताई है बात कि या तो कोई स्पॉन्सर लग गया तो पक्का, आप लोग कोई कंपनी वालों को जानते हैं ना जाके फटाफट बोलो कि हमारा आसाम ट्रिप कर दे स्पॉन्सर, हम फटाफट आ जाएंगे। हम मैं तो एक महीने के लिए आने के लिए इन हूँ, इसका मुझे पता नहीं लेकिन मेरा एक महीने का पक्का है। बाकी वैसे मैंने आसाम घूमना है, मेरा बड़ा मन है और मैं इसको काफ़ी देर से बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट इट्स बीन लाइक 1-1.5 ईयर। तो अभी फ़िलहाल ड्राइव कर रहे हैं एयरटेल ऑफिस जाते हैं, देखते हैं कितनी देर लगाएंगे एयरटेल वाले सिम देने में। तो गाइस आते ही अनाउंसमेंट कर दी ना मैडम ने लगा, तो ऐसा सीन है लैपटॉप रेडी हो चुका है, एयरटेल वाला काम हमारा हुआ नहीं, तो अभी फ़िलहाल के लिए क्या सीन है कि अभी को वापस ड्रॉप करना है, कुछ हल्का फुल्का देखते हैं, अगर खाने को मिला तो खाएंगे क्योंकि अभी बाहर का खाना बिल्कुल बंद है। सो देखता हूँ फिलहाल के लिए, अभी घर जाके मिलता हूँ आप लोगों से, रास्ते में से लैपटॉप उठाऊंगा घर जाऊंगा और फिर उसके बाद एडिट पे बैठना है, यही जिंदगी है भैया। तो गाइस बुला लो यार आसाम जल्दी, विल सी यू इन अनदर वीडियो, जय हिंद।